बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में जो तवक्कलना के अंदर जो मैसेजिंग आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन सबको मिला है, एक साथ सबको नोटिफिकेशन मिला है, ये नोटिफिकेशन है क्या, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है, तवक्कलना का इम्यून स्टेटस 1 फरवरी को कैंसिल होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे भाई लोग परेशान हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज किया गया, जिसमें मैंने पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था आज से करीब 1 हफ़्ता पहले ये डिटेल्स क्या है। मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, पर उस टाइम में ये सिर्फ न्यूज़ बोली गई थी, पर अब इस पर अमल चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं सऊदी गजट में एक न्यूज़ छपी है जिस तवक्कलना के बारे में, जिसमें बोला गया है कि 1 फरवरी से सऊदी अरबिया स्टार्ट 1 फरवरी इम्यून वैक्सीनेटेड स्टेटस विल बी एक्सपायर इन द तवक्कलना एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो बहुत छोटी सी बात, इसके अंदर मैं डिटेल्स खोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर उतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को शॉर्ट में समझा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या है। तो इसके अंदर जो बोला गया है, जिनका जो 8 महीने से ज़्यादा हो रहा है उनका इम्यून स्टेटस 1 फरवरी से कैंसिल हो जाएगा। यानी सिंपली आपने 1 जनवरी को वैक्सीन लगाई है तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आपको 1 फरवरी का, अगर 1 अगस्त हो रहा है तो 1 अगस्त को आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल। मान लीजिए हमने लगाया 4th महीने, तो 4th महीने से आप जोड़ के आ जाएगा तो 12वें महीने में हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने 8वें महीने में लगाया तो उसके 8 महीने को आप जोड़ लीजिए, आपका 8वां महीना कब पूरा, यानी आप इसी तरह अंदाज अपना गिनती लगा लीजिएगा कि आपका 8 महीना कब पूरा, उसके बाद ही आपका इम्यून कैंसिल होगा। तो मेरे पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि भाई हमारा भी तवक्कलना नॉन इम्यून होगा, तो भाई आप लोग का नहीं होगा। और इसके अंदर मैं और कुछ बातें ऐड कर दूं, जो आउटसाइड वैक्सीनेटेड है उनका भी नॉन इम्यून अभी नहीं आने वाला है। जिन जिनकी वैक्सीनेशन का 8 महीना कम्प्लीट हो, ये जो प्रोसीजर दिया गया है ये इनसाइड वाले केस है और आउटसाइड जो वैक्सीनेशन लगा के आए हैं सऊदी अरब के अंदर हैं, उन सब पे लागू होता है। आप अगर आउटसाइड वाले हैं तो आप वैक्सीनेटेड हैं, आपकी वैक्सीन सबमिट है, सेम आप और हम बराबर हैं वैक्सीनेशन में, पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आप वैक्सीनेशन सऊदी अरब के हैं तो इन सऊदी अरब ने अपने जो बंदों को वैक्सीनेशन दिया इनका थोड़ा मान सम्मान ज़्यादा है, इन डाउट है, इसलिए बाहर वालों को इन लोगों ने आउटसाइड रखा है। इसलिए इंशाल्लाह आप जब बूस्टर डोज लगा लेंगे तो आप भी इनसाइड में ही आ जाइएगा। ये तो बात हो गई कि आपका 1 फरवरी से इम्यून स्टेटस उन भाइयों का कैंसिल नहीं होगा जिनके वैक्सीनेशन का 7 महीना है, 6.5 महीना है, 5 महीना है, उनका कैंसिल नहीं होगा। उनका कैंसिल होगा जिनकी वैक्सीनेशन का टाइम जो है 8 महीना है। ठीक है, 8 महीना होने वाला है या 8 महीना हो गया होने वाला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी फर्स्ट डोज लगी, सेकेंड डोज लगी, बूस्टर आ गई, तो मेरा अंदाज़ा शायद आने वाला जो वक्त होगा एक और होगा जो जिसको और बूस्टर इन लोग बोलेंगे 4, जिसकी मेरे अंदाज़ा से वैलिडिटी होगी 1 ईयर शायद, क्योंकि जिस तरह डेट बढ़ाया जाता है, पहली वैक्सीनेशन का 6 महीने दे गए, दूसरी का 8 महीने दिया जा रहा है, और उसके बाद तीसरी चौथी का फिर क्या करेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा वैक्सीनेशन। तो इसे आपकी जान छूटने वाली नहीं है, हमारी जान छूटने वाली नहीं है, यह मुकम्मल जैसे लगता है कुछ साल अरसों तक जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। ये हो गया अलग टॉपिक वैक्सीनेशन का। अब हम बात करेंगे तवक्कलना के अंदर जो मैसेजिंग आए हैं इसके क्या है। चलिए हम अपने तवक्कलना के होम स्क्रीन पे चलते हैं और फिर आपको हम बताते हैं इसका मैसेज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देख सकते हैं तवक्कलना का होम स्क्रीन पे तो तवक्कलना चलता नहीं है, तो आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे, बेल आइकन पे, आप सिंपली हम आपको दिखा देते हैं यहाँ बेल आइकन नज़र आ रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको इस टाइप से आया होगा। तो इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और हम आपको इसके अंदर पूरी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो देख सकते हैं 22 फरवरी फाउंडेशन, तो 22 फरवरी फाउंडेशन डे है सऊदी अरब का, और जिसके अंदर बोला गया है कि ये एनिवर्सरी मनाई जा रही है और इसके अंदर पूरे सऊदी अरब के लोगों के लिए जितने भी वर्किंग पीपल आए सऊदी अरब में काम करें सबकी छुट्टी होगी, पर ऐसा तो होता नहीं है ये खबर है। और तवक्कलना के अंदर इस मैसेज को ऐड क्यों गया कि एक्शन इसके अंदर तवक्कलना के अंदर क्यों ऐड किया गया, इस पर हम बात करेंगे। तवक्कलना एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे मैंने आज से जब साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी तवक्कलना के ऊपर, जब तवक्कलना लॉन्च हुआ था फिर उसके अंदर 3 महीने के अंदर अंदर नए नए अपडेट आने शुरू हो गए थे और उसके बाद इसके अंदर और भी नए अपडेट फीचर आए थे। तो मैंने उसी टाइम बोला था कि तवक्कलना बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात धीरे धीरे सच साबित हो गई, क्योंकि उसके अंदर जब मैंने बोला था कि इसके अंदर और भी फीचर ऐड होंगे तो ये आज देखने को मिल रहा है कि हर चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। आज तवक्कलना के बगैर सऊदी अरब नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर वैक्सीनेशन, अपॉइंटमेंट, उसके बाद सबसे बड़ा झमेला तो इसके अंदर इम्यून का है कि इम्यून कंप्लीट इम्यून आपका बारकोड
रनिंग कर रहा है तो आप सऊदी अरब में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और नहीं तो फिर अपना कहीं भी आपकी एंट्री नहीं, नो एंट्री। तो तवक्कलना एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया सऊदी अरब में। अगर आप काम कर रहे हैं तो विदाउट तवक्कलना तो इम्पॉसिबल हो गया सऊदी अरब के अंदर काम करना। इस टाइप से हो गया सऊदी अरब के अंदर सिस्टम, ये एक अच्छी सिस्टम है। तवक्कलना एक कोविड के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा वर्क, क्योंकि जिसके अंदर जो सिस्टम अपडेट किए गए तवक्कलना के अंदर कोविड के रूल्स को लेके, तवक्कलना अम्यून रहेगा तो आप यानी वैक्सीनेटेड हैं, अम्यून नहीं है तो यानी आप नॉट वैक्सीनेटेड, यानी बहुत ही ताकत मिल रही है सऊदी अरब को कोविड में काम करने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन से। तो तवक्कलना इसलिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, तवक्कलना को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि 100 में 99.9% लोग जो तवक्कलना के यूज़ करते हैं। तो अगर वो तवक्कलना के अंदर मैसेज देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब तक पहुंच जाता है, चाहे वो कने रेसिडेंट ही है, चाहे नेशनलिटी है, चाहे विजिटर है, चाहे मैसेज मिल जाता है, क्योंकि हर लोग तवक्कलना यूज़ करते हैं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और मन में कोई कन्फ्यूजिंग है किसी टॉपिक पे तो नीचे कमेंट्स कीजिए, कोई बड़ा सवाल, कोई बड़ी कन्फ्यूजन तो मैंने अपना व्हाट्सअप नीचे देकर रखा हुआ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी मदद की जाए। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, अल्लाह हाफिज़।